केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर रिमझिम बारिश में झाबुआ से धांधला पहुंचे। धांधला में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक कल सिंह भाभोर के नेतृत्व में हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि मैं कोई भाजपा का नेता या केंद्र सरकार का कोई मंत्री नहीं हूं। आपके सामने आपके परिवार का सदस्य हूं और मेरा इस क्षेत्र के साथ माधव दादा के समय से सिंधिया परिवार की भावनात्मक कड़ी आप सभी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आज राजनीति सोच विचारधारा के साथ केवल आपके बीच नहीं आया हूं, मैं पारिवारिक सोच विचार की धारा के साथ आप सभी के बीच हूं। हमारे जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और मैं यहां बैठे एक एक कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूं और उन्हें बधाई प्रेषित करता हूं। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है, आपके सामने केंद्र सरकार का कोई मंत्री नहीं, आपके सामने आपका परिवार का सदस्य दिया है। और ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों का और हमारा बहुत पुराना एक पुश्तैनी संबंध है। इस क्षेत्र के साथ माधव महाराज के समय से विकास हो, प्रगति हो, बांध हो, अन्नदाताओं का विकास हो, सिंधिया परिवार के साथ एक भावनात्मक कड़ी आप सब के साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं कोई राजनीतिक सोच विचारधारा के आधार पर केवल आपके बीच में नहीं आया, लेकिन एक पारिवारिक सोच विचारधारा के आधार पर आपके समक्ष में पहुंचा। हमारी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और मैं यहां बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और प्रणाम करना चाहता हूं। और उसके पीछे कारण, आज अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, आज अगर मध्य प्रदेश में इस मंच आसीन पूर्ण गुलदस्ते को आप देख रहे हैं और उसमें मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं, तो उसका विजय एकमात्र है और वो मेरा जमीनी कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी की नींव आप हो, भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान आप हो,